What is up guys, this is Dipanshu back again with a new video. So guys, ये laptop series की second video होने वाली है और इस video में यार हम बात करने वाले हैं यार 10,000 रुपए में आप कौन कौन से laptop खरीद सकते हैं। यार 10,000 रुपए का budget यार बहुत ही ज़्यादा limited है, मतलब बहुत ही कम budget है और इस price में laptop लेना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन यार मैंने आपके लिए 4 laptop नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड किए हुए हैं। यार ये लैपटॉप बहुत ही अच्छे हैं यार कंपेयर टू 10,000 रुपये के प्राइस में। तो यार ये वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 10,000 रुपये में आप कौन कौन से लैपटॉप परचेज कर सकते हो अच्छे स्पेक्स के साथ। तो यार मेरा नाम है दीपांशु और आप देख रहे हो टेक बीज। सो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस हमारी लिस्ट का फर्स्ट लैपटॉप है जो आपको 10,000 रुपए के आसपास मिलेगा यार, वो है माइक्रोमैक्स का कैनवस लैपटॉप। यार ये काफी अच्छा लैपटॉप है क्योंकि यार ये एक 2-in-1 लैपटॉप है। आप इसमें अपनी सिम भी ऐड कर सकते हो और इसे एक एज अ टैबलेट भी यूज कर सकते हो। तो ये काफी अच्छी आपको 10,000 रुपए के आसपास में बजट में एक अच्छा लैपटॉप मिल जाता है। यार बात करें यार इसके प्रोसेसर की तो इसमें आपको मिलता है इंटेल का एटम क्वाड कोर प्रोसेसर। काफ़ी ठीक ठाक प्रोसेसर है, आपको 10,000 रुपये में इससे अच्छा प्रोसेसर नहीं मिलेगा। बात करें यार इसके अंदर रैम की तो इसमें आपको 2 GB की रैम मिलती है, 32 GB के आसपास आपको इसके अंदर स्टोरेज मिल जाता है। एंड यार बात करें विंडोज़ की तो इसमें आपको विंडोज़ 10 होम मिलती है जो कि 10,000 रुपये के लैपटॉप के लिए बहुत ही अच्छी बात है यार, क्योंकि अब इस टाइम में 10,000 रुपये में लैपटॉप में विंडोज़ 10 होम आपको मिल जाती है। बात करूँ यार इसके डिस्प्ले की तो इसमें आपको मिलती है 11.6 इंच की एक अच्छी खासी IPS पैनल वाली डिस्प्ले। एंड यार बैटरी बैकअप यार इनका बहुत ही अच्छा है क्योंकि यार ये एक तरह से टैबलेट भी यूज़ कर सकते हो आप इसे और एक लैपटॉप की तरह। तो इनका बैटरी बैकअप बहुत ही अच्छा है, आपको इसके अंदर मिलता है 8 घंटे का एक अच्छा बैटरी बैकअप। एंड यार बात करें फाइनल इसका प्राइस जो है ये आपको मिलता है 10,400 रुपये का। तो जिसको भी यार 10,000 रुपये के आसपास कोई एक अच्छा लैपटॉप खरीदना है जो एक टैबलेट की तरह भी आप यूज़ कर सकते हो, सिम भी डाल सकते हो, अच्छा स्टोरेज हो, अच्छा प्रोसेसर हो और बैटरी भी अच्छी हो, तो ये लैपटॉप आपके लिए एकदम बेस्ट है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके परचेस कर सकते हो। गाइस हमारे लिस्ट का सेकंड लैपटॉप है रीच का एटम 5th Gen डिटैचेबल लैपटॉप। यार ये भी काफ़ी अच्छा लैपटॉप है। यार बात करूँ इसके प्रोसेसर की तो इसमें भी आपको इंटेल का एटम क्वाड कोर प्रोसेसर मिल जाता है। मेनली जो सारे 10,000-12,000 रुपये के आसपास के लैपटॉप होते हैं उनमें आपको इंटेल का एटम क्वाड कोर प्रोसेसर ही मिलता है। बात करूँ यार इसके स्टोरेज की तो इसमें आपको मिलती है 2 GB की रैम एंड 32 GB की एक स्टोरेज अच्छी खासी आपको मिल जाती है, ज़्यादा इतना नहीं है लेकिन 32 GB भी बहुत इनफ है यार 10,000 रुपये के बजट के अकॉर्डिंग। यार बात करूँ यार इसके अंदर विंडोज़ की तो इसमें आपको विंडोज़ 10 होम मिलती है, स्क्रीन साइज आपको इसमें मिलता है 10.1 इंच का एक HD डिस्प्ले। एंड यार बैटरी बैकअप इसमें आपको मिल जाता है 5 घंटे का जो कि बहुत ही अच्छा बैटरी बैकअप है। एंड यार बात करूँ यार इसके प्राइस की तो ये आपको मिल जाता है 9,500 रुपये का। तो यार जिसको भी एक अच्छा लैपटॉप चाहिए, डिटैचेबल हो और काफ़ी अच्छी गुड लुकिंग हो, यार इसका एक और जो अच्छा रीज़न है इसको खरीदने का यार ये बहुत ही गुड लुक्स बहुत ही अच्छे लुक्स के साथ आता है। तो यार जिसको भी एक अच्छा लैपटॉप खरीदना है 9,500 रुपये में डील आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होने वाली है। सो गाइस हमारे लिस्ट का थर्ड लैपटॉप है आईबॉल का एटम। यार इन सभी लैपटॉप में जो भी मैंने लिस्ट में बताए हैं आपको सभी में इंटेल का एटम क्वाड कोर प्रोसेसर मिलता है और इस लैपटॉप में भी आपको वही प्रोसेसर मिलता है। स्टोरेज और हार्ड डिस्क भी बिल्कुल सेम है यार, इसमें आपको 2 GB की रैम मिलती है और 32 GB का आपको स्टोरेज मिल जाता है। विंडोज 10 होम का आपको सपोर्ट मिलता है, 11.6 इंच की आपको अच्छी खासी डिस्प्ले मिल जाती है। एंड यार बहुत ही अच्छी इसका बैटरी बैकअप है, 7 घंटे के आसपास इसका बैटरी बैकअप है। तो जिसको भी यार बिंज वॉचिंग पसंद है या फिर अपना वर्क थोड़ा अच्छा करता है तो यार उनके लिए लैपटॉप बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। एंड यार बात करूँ इसके प्राइस की तो ये आपको मिल जाता है 9,900 रुपये का। तो जिसको भी एक अच्छा लैपटॉप चाहिए गुड लुक्स के साथ तो ये लैपटॉप उनके लिए एकदम बेस्ट रहेगा। तो हमारी लिस्ट का फोर्थ एंड लास्ट लैपटॉप है यार लावा हीलियम 12। यार ये जो मैंने पिछले लैपटॉप बताए हैं तीनों लैपटॉप उनसे ज़्यादा अच्छा है और ये काफ़ी वर्थ इट लैपटॉप है और इसका प्राइस आपको 1,000 रुपये ज़्यादा भी मिलता है लेकिन यार ये बहुत ही अच्छा लैपटॉप है। बात करूँ यार इसके प्रोसेसर की तो इसमें आपको मिलता है इंटेल का एटम क्वाड कोर 7th Gen प्रोसेसर। यार जो मैंने पिछले तीनों लैपटॉप बताए थे उनमें 5th Gen प्रोसेसर था और इस लैपटॉप में आपको 7th Gen प्रोसेसर मिलता है, तो यार ये बहुत ही अच्छी बात है। एंड यार इसमें आपको 64 GB का स्टोरेज मिलता है, बाकी सब लैपटॉप्स में आपको 32 GB मिलता था, इसमें आपको 64 GB मिलता है। 2 GB की रैम सभी लैपटॉप की तरह सेम है इसके अंदर, विंडोज 10 होम मिलती है एंड 9 घंटे का इसका बैटरी बैकअप है। कैन यू बिलीव इट, एक लैपटॉप में आपको 9 घंटे का बैटरी बैकअप मिल रहा है, तो यार इसका बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छा है। एंड यार इसका स्क्रीन साइज़ है आपको सभी लैपटॉप से अच्छा मिलता है, 12.5 इंच का एक अच्छा HD डिस्प्ले स्क्रीन साइज़ मिल जाता है आपको। तो यार बात करूँ यार इस लैपटॉप के प्राइस की तो ये आपको मिलता है 11,500 रुपये का। तो यार 1,000 रुपये थोड़ा महंगा है लेकिन आपको 64 GB स्टोरेज दे रहा है। सबसे अच्छा आपको इसके अंदर स्क्रीन साइज़ आपको अच्छा मिल जाता है, 12.5 इंच के आसपास आपको इसका स्क्रीन साइज़ मिल जाता है। एंड यार 9 घंटे का बैटरी बैकअप है,
काफी अच्छा लैपटॉप है, 7th Gen इसमें प्रोसेसर लगा हुआ है। तो यार जिसको भी 11,500 रुपए के आसपास लैपटॉप चाहिए तो ये लैपटॉप आपके लिए एकदम बेस्ट रहेगा। सो गाइज ये थे वो लैपटॉप्स जो आपको 10,000 रुपए के आसपास मार्केट में मिलेंगे, मार्केट में नहीं लेकिन यार ऑनलाइन मिल जाएंगे आपको। मार्केट में 10,000 रुपए में लैपटॉप्स नहीं मिलते, लेकिन ऑनलाइन के डिस्क्रिप्शन लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। यार ये बहुत ही जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं, तो यार चेक करते रहिएगा आप अगर किसी को खरीदना है तो यार, क्योंकि यार अब वापसी भी आ जाते हैं स्टॉक में। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में चारों लैपटॉप्स के लिंक मैंने दिए हुए हैं, जिसको भी परचेस करना है आप जाके चेकआउट कर सकते हो। एंड यार इस सीरीज की नेक्स्ट वीडियो होने वाली है 40,000 रुपीज में लैपटॉप, तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल नोटिफिकेशन को यार ऑन कर देना, एंड यार वीडियो को लाइक कर देना, एंड यार वीडियो को शेयर कर देना जिसको भी यार एक 10,000 रुपए के आसपास का लैपटॉप चाहिए, जिसका बहुत ज्यादा बजट नहीं है 20-25-30,000 रुपए, तो वो 10,000 रुपए में यार अपना काम कर सकता है एक अच्छे लैपटॉप में। एंड यार अगर आपकी कोई भी क्वेरी है लैपटॉप से रिलेटेड तो यार नीचे कॉमेंट करके मुझे जरूर बताना, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। तो यार मैं मिलता हूँ आपसे एक और ऐसी एक्साइटिंग वीडियो में, टिल देन पीस आउट।